बिट्टू मियां मिट्टू 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 तू कौन है मिट्टू तो है आपने मियां मिट्ठू की बातें इंजॉय की होंगी। अगर आप अपने पास कोई मिट्ठू तोता रखना चाहते हैं जो कि रिंग नेक हो या रॉ पैरट का पट्ठा ले लें, तो उसको आप कैसे बोलना सिखाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मकाव पैरट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन वो आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर होते हैं, वो बहुत बड़े महंगे होते हैं। तो रिंग नेक पैरट जो होता है ये सस्ता बहुत होता है। मसलन ये तकरीबन इसका पट्ठा आपको तकरीबन 3,000 की रेंज में मिल जाता है। रॉ पैरट का पट्ठा थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो भी मसलन ज़्यादा महंगा नहीं है, 6-7,000 में वो भी आपको मिल जाता है। तो इसको बोलने के बुलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जब आप रिंग नेक या रॉ का पट्ठा लेंगे तो उसको आपने टाइम देना होता है, सुबह शाम आप उसको टाइम दें, उसको फीडिंग खुद करें, हैंड फीडिंग करें। इंसानों का जो बेसिकली जो इंसानों का डर होता है ना, जब परिंदा इंसानों से डरना उसका ख़त्म हो जाता है उसके बाद जाके वो बोलना शुरू कर देता है। तो जब वो इंसानों से मनूस हो जाता है फिर आप उसको डेली प्रैक्टिस कराते रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, आपको रोज़ाना की बेसिस पे सुबह शाम आप इसके पास टाइम गुजारें, इसको आवाज़ें दें, वाजें देते रहें। एक टाइम आता है कि फिर ये बोलना शुरू कर देता है। शुरू शुरू में सिर्फ मैं ही इससे बातें करता था तो मेरी बातों को रिस्पॉन्ड करता था, तो अभी ये मुझसे ज़्यादा बच्चों की बातों को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये है कि जो बंदा इसको ज़्यादा टाइम देता है उससे ये ज़्यादा मनहूस हो जाता है। हम लोग तो इसको केज से बाहर निकाल के भी बातें करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम क्योंकि इसके पर नहीं काटे हुए और मैं इसको अच्छा भी नहीं समझता, तो वो हमें दरवाज़ा बंद करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि ये परिंदा है तो ये उड़ भी सकता है, इसलिए इसकी ये हिफाजती तदबीर ज़रूर इख्तियार करनी होती है। आप इसको हैंड फीड कराते रहें और एक वक्त आएगा इसकी ये जिस तरह इसके गले में गानी बनी हुई है, ये 18 माह की एज में जाके बनती है। तकरीबन 6 माह की उम्र को जब ये पहुँचता है तो ये हल्की हल्की बातें करनी शुरू कर देता है।
आठ माह की उम्र में जब पहुंचता है तो इसकी आवाज़ में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। हरी मिर्ची आप इसको ज़्यादा खिलाएं खुराक में, जितनी ज़्यादा आप हरी मिर्च खिलाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ में बोलता है। अभी ये देखें सामने, इसको बिस्किट भी खिलाए हुए हैं और मिक्स सीड दी हुई है। मिक्स सीड में कंगनी है और चीना है और ये दो चीज़ें ज़्यादा ये शौक से खाता है, ये मैं इसको ज़्यादा डालता हूँ। बाकी आप इसको खुराक में हरा धनिया खिलाएं, पुदीना खिलाएं, पालक खिलाएं, फ्रूट्स में आप जो मर्ज़ी खिलाएं। सबसे फेवरेट फ्रूट जो इसका होता है वो होता है बेर, मीठे बेर। आपने पुराने दौर में सुना होगा कि जो बेर जो आधा कटा होता था वो पता चलता था कि ये तोते ने खाया हुआ है, तो वो सबसे मीठा बेर वही होता था, इसको पहचान होती है। तो ये बेर बहुत शौक से खाता है, फ्रूट बहुत शौक से खाता है। इसकी खुराक का अच्छे से ख्याल रखना होता है, पानी इसके केज में हर वक्त होना चाहिए। एक जिस तरह दो पॉट सामने लगे हुए हैं, एक पॉट बर्तन वाला खुराक वाला है और एक पानी वाला है, तो दूसरा आप इसको टाइम दें। दूसरा इसकी सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है। ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल फिट है, इसकी गानी देखें, ये तकरीबन अभी 2 साल का हो गया है और इसकी गानी कम्प्लीट हो गई है। 18 माह की उम्र में जाके इसकी गानी बननी शुरू कर देती है। जिस तरह ये ब्लैक कलर की गानी बनी, ऐसा लग रहा है जैसे इसने ब्लैक कलर का हार पहना हुआ है। तो माशाल्लाह मैंने तो रेंगने का पट्टा लिया था और मैंने 3 माह की एज में ये लिया था, तो अभी ये आप देख लें मैंने तकरीबन 1.5-2 साल हो गया इसको पाला है। तो अभी ये माशाल्लाह बड़ी बातें करता है, लेकिन यह है कि ये बातें कराने का प्रोसेस जो होता है इस पर टाइम लगता है। आप अपना पैरट रखें, उसको बातें सिखाते रहें, प्रैक्टिस करवाते रहे। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करवाएंगे उतनी जल्दी सीख जाएगा। मैं ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाता था तो इसलिए थोड़ा सा ये मसलन टाइम काफ़ी लग गया, वरना अगर आप डेली बेसिस पे घर रहते हैं और डेली बेसिस पे टाइम देते हैं तो ये तकरीबन 2 महीनों में बिल्कुल सीख जाता है। लेकिन इसकी खुराक का ख्याल रखना होता है, इसका जहाँ आपने रखना हो उसका ख्याल रखना। गर्मियों में इसके रखने के और फासी तदाबीर हैं, सर्दियों में और हैं। तो बाकी इसको आपने देसी चीज़ें खिलाएं। मैं इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि मैं इसको, लोग कहते हैं जी फलां विटामिन खिलाएं, फलां मसल चीज़ें खिलाएं, वो मैं नहीं खिलाता। अलबत्ता ये रेंगनेक का मेल है और इसकी फ़ीमेल भी अभी मैंने लेनी है इंशाल्लाह, तो इनसे ब्रीडिंग भी करवाऊँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।